इस्तीफा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है, नजीब जंग साहब ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं नजीब जंग। आपको बता दें, लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ खींचतान को लेकर नजीब जंग सुर्खियों में रहे। हाल फिलहाल में हाईकोर्ट का भी फैसला आया था, जिसमें कहा गया कि उपराज्यपाल नजीब जंग ही दिल्ली के बॉस हैं। इस्तीफे की वजह हालांकि अभी साफ नहीं है, नहीं पता चल पाया, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जब धरने पे बैठे थे रेल भवन के बाहर, तो नजीब जंग ही वो शख्स थे जिन्होंने उनको मनाने की कोशिश की थी, उनके पास आलू के पराठे तक पहुंचाए थे। लेकिन इसके बाद लगातार इस रिलेशनशिप में डिट्यूरेशन आती चली गई, रिश्ते खराब होते चले गए। हालांकि अभी तक ये वजह नहीं पता चल पाई है कि नजीब जंग ने इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन लगातार केजरीवाल सरकार के निशाने पर उपराज्यपाल नजीब जंग रहे। उन्हें लगातार एजेंट बुलाती रही मोदी सरकार का केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है। इससे पहले लगातार दोनों में जब खींचतान होती रही, तो बहुत ज्यादा दबाव में भी उपराज्यपाल है या नहीं है, ये उनसे सवाल पूछे जाते रहे। इस वक्त खबर ये आ रही है कि 9 जुलाई 2013 से दिल्ली के उपराज्यपाल रहे नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। फॉर्मर सिविल सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं नजीब जंग, और वो दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। उससे पहले वो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अजीत, बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दिया, कार्यकाल खत्म होने से पहले ये इस्तीफा, वजह पता चल पा रही है? देखिए, साफ तौर पर है, वजह बताने से भी बच रहे हैं, लेकिन जो पता चला है सूत्रों के हिसाब से, उनका ये कहना है कि लगातार जिस हिसाब से दबाव केजरीवाल सरकार की तरफ से मिल रही थी, या फिर जिस हिसाब से बातें कही जा रही थी, बार बार टकराव की स्थिति हो रही थी, बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, इस बात को लेकर भी आगे हो रही थी। और साथ में जिस हिसाब से केजरीवाल ने कल पेशी करके ये कहा कि हाईकोर्ट में जिस हिसाब से सवाल जवाब मांगे हैं, उससे भी जवाब देना है, ये वजहें सामने आ रही है। लेकिन जिस हिसाब से कार्यकाल हुआ और एलजी साहब के हिसाब से स्टेटमेंट आया, उनका यही कहना है कि जिस हिसाब से दिल्ली की जनता ने सपोर्ट किया है उसके लिए धन्यवाद, और जिस हिसाब से हमने काम किया है दिल्ली की जनता के लिए, उन सब के लिए धन्यवाद, इतना कहते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तकरीबन एक घंटे पहले ही उन्होंने अपना रिजाइन आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। अब देखना होगा कि आगे उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से एलजी साहब का यही था कि हमने काम किया और दिल्ली के लिए भले के लिए काम किया है, और भले में काम करने की वजह से ही हमने सही ढंग से काम किया। लोगों का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, वो उनकी इच्छा है, लेकिन हमने बड़ी ईमानदारी से, जब तक मैं एलजी के पद पे रहा, ईमानदारी से काम किया और अपनी नेक दिली से काम करते हुए दिल्ली की भलाई के लिए मैंने काम किया, इस वजह को देते हुए उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। आचल जी, अजीत ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह की बात अपने इस्तीफा देने के बाद एक तरह से प्रेस रिलीज में कहना, क्या ये ऐसा नहीं साउंड कर रहा जैसे वो स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहे थे, और जाहिर तौर पर ये खींचतान ही बड़ी वजह पीछे की रही होगी? बिल्कुल साफ तौर पर है, कहीं ना कहीं जो आपसी टकराव की स्थिति है और जिस दबाव सामने आ रहा था, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं एलजी साहब भी एक दबाव में थे, यानी नजीब जंग ये तमाम जो है वो दबाव में थे, उस दबाव के चलते ही ये डिसीजन लिया गया। बहुत दिनों बाद ये स्टेप एलजी साहब ने लिया, लेकिन कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति को देखते हुए वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे, बार बार आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला हो या तमाम चीजें और हो। तो अगर तमाम अगर समीकरण की बात करें, तो पूरे समीकरण में साफ जाहिर हो रहा है कि एक दबाव की स्थिति में नजीब जंग खुद अपने आप को महसूस कर रहे थे, जिसके बाद से अब ये फैसला उन्होंने देर सवेर आज जाके वो लिया और एक घंटे बाद अपना इस्तीफा वहां भेज दिया है। ये भी समझना होगा कि नजीब जंग ने कहा है कि वो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का, कि उन्होंने बहुत उनकी मदद की, कोऑपरेट किया। ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अजीत, कि ये खींचतान तो जब से नजीब जंग एलजी बने और केजरीवाल सरकार आई तब से ये लगातार चल रही थी, फिर इमीडिएट कॉज क्या हो सकती है, अभी क्या वजह है? क्योंकि हाईकोर्ट भी फैसला दे चुका था जिसमें कहा गया कि एलजी ही दिल्ली के बॉस है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी जरूर की कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, उसे फ्री हैंड मिलना जरूरी है,
लेकिन कोई एक इमीडिएट कॉज आपको लगता है इसके पीछे हो सकती है, इस्तीफे के पीछे? बिल्कुल साफ तौर पर यादव जी, लगातार जिस हिसाब से हाईकोर्ट ने भी ये बात कहा था कि हाँ जो भी दिल्ली के अंदर सुप्रीम पावर है वो सुप्रीम पावर एलजी ही है, इसको बात को लेकर भी तमाम तकरार भी हो रहे थे, विवाद भी उठ रहे थे, डेवलपमेंट के काम को लेकर जिस हिसाब से केजरीवाल बार बार अटैक भी कर रहे थे और बार बार ये यहाँ तक कह दिया था कि जो नरेंद्र मोदी जी के फिट्टू बन के काम कर रहे हैं दिल्ली के एलजी, दिल्ली के एलजी खुद अपना डिसीजन लेके काम नहीं कर रहे, तमाम बातों से आहत भी नजर आ रहे थे। बार बार एलजी साहब की तरफ से भी ये बात कहा जा रहा था कि देखिए जो काम करने वाला सख्त होता है वो काम करता है, लेकिन जो काम करने वाला नहीं होता काम नहीं करता, तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए गए। ये तमाम जो विवाद है विवाद के बढ़ने के बाद से, लेकिन बात तो ये है सामने समझ में आ रही जो सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति थी, दबाव की वजह से ये कहीं ना कहीं फ्री हैंड नहीं हो पा रहे थे, उसको लेकर सवाल कई और एलजी साहब भी खड़े हो रहे थे, जिसके बाद इन्होंने रिजाइन दिया है हुआ है। बार बार ये बात कहा जा रहा था कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से उलट थी और हर तरह से दबाव की स्थिति बरकरार थी। तो कांग्रेस के यही एक नुमाइंदे इस समय अपॉइंट किया गया था नजीब जंग को, और आज वो भी आखिरी जो है ये एलजी साहब का यहाँ पर इन्होंने रिजाइन दिया। आप देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरह से पूरी हलचल हुई है, कांग्रेस इधर क्या प्रतिक्रिया देती है या तमाम पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल खुश होते हैं तमाम बातों को लेकर, जिस तरह से बार बार ये दलीलें दी जा रही थी कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, क्या अब नए जो एलजी होंगे काम करने देंगे या नहीं, तमाम सवाल अभी बात की बातें हैं। लेकिन जिस तरह से रिजाइन हुआ है उसे साफ जाहिर हो रहा है कि दिल्ली में अब थोड़ा सा एक राजनीतिक हड़कंप जरूर मचा हुआ है। अजय जी, औपचारिक ही नहीं तो अनौपचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी का कोई रिएक्शन मिल पा रहा है अजय? देखिए आम आदमी पार्टी से जो मेरी बातचीत हुई है एक नेताओं से, तो उनका साफ एक कहना है एक दो नेताओं से कि देखिए कहीं ना कहीं प्रेशर में वो भी काम कर रहे थे, अगर हम कोई भी चीज बात करते थे हमारी बात को सुना तो जाता था, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए वो भी अपने आप को एक दबा हुआ महसूस करते थे, प्रेशर में महसूस करते थे कि देखिए हमें ऊपर से आदेश मिल रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। तो साफ तौर पर है कि प्रेशर किधर से दिया, क्या अरविंद महसूस करते थे प्रेशर में महसूस करते थे कि देखिए हमें ऊपर से आदेश मिल रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। तो साफ तौर पर है कि ये प्रेशर किधर से दिया, क्या अरविंद केजरीवाल जो बातें आरोप लगा रहे थे वो प्रेशर था या आगे से प्रेशर किसका आ रहा था, तमाम सवाल अभी उठना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर ये सामने आ रही है बात कि प्रेशर में एलजी साहब काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनसेफ फील कर रहे थे इन दिनों में जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, चाहे वो हम महिला सुरक्षा की बात कर लें या तमाम डेवलपमेंट की बातें कह लें। आदिल जी, खासतौर से अजीत ये भी जानना चाहेंगे, महिला सुरक्षा का जैसे आपने उदाहरण दिया और भी कई उदाहरण हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स और जो दानिक्स के ऑफिशियल्स हैं उनकी ट्रांसफर्स को लेके बार बार अरविंद केजरीवाल जब आरोप लगाते थे तो भले ही निशाना नजीब जंग होते थे, लेकिन असल निशाना जो असल उनका अटैक होता था वो मोदी सरकार पे होता था, और बार बार नजीब जंग को ये कहना कि वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के एजेंट है, ये बात लगातार खलती होगी हर रोज अपने टेन्योर में नजीब जंग को? बिल्कुल साफ तौर पर है क्योंकि टेन्योर। ठीक है अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया नजीब जंग का इस्तीफा, क्या वजह इसके पीछे देखते हैं? देखिए मैं ये कहूंगा कि नजीब साहब ने जो रिजाइन किया है वो डेफिनेटली उनके मन में कुछ रहा होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी दिल्ली में घट रहा था और जिस तरह से दिल्ली की सरकार का व्यवहार था उनके प्रति, तो ये तो समय बताएगा कि उसके सही रीजन क्या है। बट मैं यही कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के साथ अगर सरकारों का व्यवहार इस प्रकार का होगा तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना घटित होना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। विजेंद्र गुप्ता जी, एक बहुत बड़ी वजह इस तरह की भी खबरें इससे पहले आई जब केजरीवाल साहब ने सीधे सीधे आरोप लगाया, ये कहा कि कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं नजीब जंग और इसीलिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया या देने की कोशिश कर रहे थे, आपको इसके पीछे कितनी सच्चाई लगती है? मैं ये कहूंगा कि जब तक कुछ कंफर्म बात सामने नहीं आए, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली सरकार का रवैया वो ऑब्जेक्टेबल था, वो लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को से जिस तरह से व्यवहार हो रहा था, और कोई बड़ी बात नहीं है कि उससे शुभ होकर उन्होंने ये कदम उठाया। नहीं, दो चीजें हैं, एक तो ये केजरीवाल का ये कहना कि वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं नजीब जंग, ये बात को उनका शगुफा
दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नजीब जंग बहुत परेशान हो गए थे केजरीवाल के आरोपों से, इसलिए इस्तीफा, बड़ी वजह क्या लग रही है विजेंद्र गुप्ता जी, खुलकर बताएं। देखिए मैं यही अभी कुछ भी कहना, क्योंकि कल हम लोग मिले थे, एक डेलीगेशन मिला था, मैं उसको लीड कर रहा था, और डेफिनेटली है कि ये खबर एकदम जानकारी में आना ये सरप्राइजिंग तो है, क्योंकि कल जब हम मिले थे तो आज रिजाइन करेंगे वो, ये आने वाली बात है, पर इतना जरूर कहूंगा कि वो खिन्न थे और काफी दिनों से जिस तरह से सरकार का रवैया था उसको लेकर के क्षुब्ध थे। नहीं, ये बात आपने कहा कि कल ही उनके साथ आप मिले, आप डेलीगेशन के साथ गए, क्या जंग साहब ने ये बात बोली आपको कि मैं बहुत परेशान हूँ केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्रियों से? देखिए वो आपको बातचीत की थी कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है, जब हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो प्रपोजल है डिलिमिटेशन का उसको लागू नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने माना कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है, उन्होंने फाइल, हम जब हमने कहा कि फाइल उन्होंने रोक रखी है एक महीने से दिल्ली सरकार ने, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कहा कि सरकार जो है उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार काम करती है, ये तो उनका व्यू पॉइंट हमेशा रहता था। नहीं नहीं विजेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि दिल्ली की त्रासदी ये है कि दिल्ली वाले कहते हैं यहाँ पर कोई काम होता नहीं है, क्योंकि खींचतान चल रही थी जंग साहब में और केजरीवाल में, तो ये तो कल टीचर्स ने बता दिया जी, कल टीचर्स ने बता दिया, गेस्ट टीचर्स ने, मैं तो उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि इन्होंने उनको ऑन ड्यूटी कहकर बुलाया इकट्ठा किया अपनी सभा करने के लिए, और उसमें जब ये बात कही उन्होंने पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि हमको काम नहीं करने, तो टीचर्स ने सब विरोध किया और यहां तक विरोध किया कि वाटर कैनिंग हुई, ये तो सबके सामने है सारी स्थिति, ये कह रहे तो काम नहीं चलेगा कि आप सत्ता में है सरकार में है। नहीं, आप क्योंकि कह रहे हैं ना कि आपकी मुलाकात कल ही हुई नजीब जंग साहब से, वो इस बात को लेकर व्यथित थे, परेशान थे, और उन्होंने ये माना कि दिल्ली सरकार का रवैया ठीक नहीं है, तो आप हमें ये बताएं कि क्या ये बड़ी वजह हो सकती है इस्तीफे की? नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि जब हम लोग मिले थे कल तो उन्होंने अपनी असहमति प्रकट की सरकार के रवैये से, और लेकिन उसके हमने ये आभास नहीं निकाला कि वो आज रिजाइन करेंगे। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया नजीब जंग साहब ने, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का भी धन्यवाद किया, और ये भी कहने की कोशिश शायद हुई है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में लौटना चाहते, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टेज पे कि वो इतने अरसे से दिल्ली के उपराज्यपाल थे, खींचतान रही, उतार चढ़ाव रहे उनके केजरीवाल के साथ, लेकिन वजह क्या रही ये समझ पाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आप ये कह रहे हैं कि बड़ी वजह केजरीवाल ही है? नहीं, मैंने देखिए, मैं यही कहूंगा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वजह है या वो वजह है, क्योंकि जब तक कारण का स्पष्टीकरण ना हो जाए मैं अपनी तरफ से कुछ ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार के तौर तरीकों से दिल्ली में कहीं ना कहीं उपराज्यपाल पद की गरिमा पर तो ठेस पहुंची है। धन्यवाद। हेलो जी विजेंद्र जी, ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता जो दिल्ली के एमएलए भी हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कार्यकाल खत्म होने से पहले नजीब जंग ने इस्तीफा दिया, कल ही उनकी मुलाकात हुई थी, और वो कह रहे थे कि दिल्ली सरकार का रवैया ठीक नहीं है। अब आपको ये भी बता दें कि खुद उपराज्यपाल ने अपना इस्तीफा सौंपा तो उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद अदा किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का भी धन्यवाद अदा किया और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नजीब जंग ने अब इस्तीफा दिया है, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में लौटना चाहते हैं, उन्होंने ये बात कहनी चाहिए। वैसे आपको ये भी बता दें कि कुछ ही दिन पहले खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ तो नजीब जंग को हिटलर बुलाया था और ये भी कहा था कि वो मोदी सरकार के और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करते हैं,
और वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसीलिए वो जो भी मोदी कहते हैं उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन वो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो एक बहुत जिसे कहा जा सकता है कि इशारों इशारों में एक हमला किया था केजरीवाल ने, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर बल्कि साथ ही साथ नजीब जंग पर भी। आपको ये भी बता दें कि लगातार खींचतान बनी रही पिछले लगभग 3 साल से। आपको ये बताएं कि मोटे तौर पर कब कब विवाद हुआ, तनातनी शुरू हुई। दरअसल अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग में खूब तनातनी रही। केजरीवाल कई बार नजीब जंग का इस्तीफा मांग चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार के एजेंट की तरह नजीब जंग काम करते आए हैं। जो भी फैसले केजरीवाल सरकार लेती थी वो फैसले को नजीब जंग या तो पलट देते थे, नहीं तो फाइलों को रोक कर रखते थे। विवाद इतना बढ़ गया कि एक के बाद एक सटासट याचिकाएं जो हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट पर पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल गर्मियों में ये फैसला सुनाया कि दिल्ली के बॉस, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राष्ट्र का राज्य का दर्जा उसको हासिल नहीं है, दिल्ली के बॉस नजीब जंग है यानी कि उपराज्यपाल है। जिसके बाद अब पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले ही ये टिप्पणी दी और ये कहने की कोशिश की कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, लिहाजा उसे काम करने दिया जाना चाहिए। अब अपने कार्यकाल से पहले जो इस्तीफा दिया है नजीब जंग ने, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कुछ छन छन की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो इस्तीफा दिया उसका क्या कंटेंट है और उसमें क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल सात पर है। मैं इस्तीफे से पहले कपिल मिश्रा का ट्वीट दिखाऊंगा। यहां पर सात पर लिखा हुआ है ट्वीट कर कि जंग साहब को भविष्य की शुभकामनाएं, कठपुतली की तरह जो डोर उनके हाथ में थी, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। जंग साहब के बाद जो जंग भी है क्या वो जारी रहेगी? ये तमाम सवाल भी खड़े कर रहे हैं कपिल मिश्रा। अब हम आते हैं सीधे कंटेंट पे कि क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफे के बाद से जो बातें उन्होंने लिखी है उनके साफ तौर पर यह कहा है कि पहले उन्होंने अपना सबमिशन जो है रिजिग्नेशन सबमिट किया और साथ में कहा है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना रिजिग्नेशन भेज रहे हैं और साथ में हमने प्राइम मिनिस्टर को जो है वो धन्यवाद दिया है, यानी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए तमाम बातें कह रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक साल का राष्ट्रपति शासन रहा है उस एक साल के राष्ट्रपति शासन में जो भी उन्होंने कार्यकाल किया वो। अजीत, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राशिद अलवी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उनका रिएक्शन लेंगे। इस्तीफा दे दिया नजीब जंग ने, बड़ी वजह क्या लग रही है आपको अलवी साहब? देखिए, सच्चाई तो सामने तभी आएगी जब नजीब जंग ईमानदारी के साथ बताएंगे कि क्या कारण है, क्यों इस्तीफा दिया, अचानक कैसे उनका ये जमीर जाग उठा है। शरीफ आदमी है, लेकिन दोनों कारण हो सकते हैं, या तो बीजेपी के दबाव में जो काम उन्होंने किए हैं उससे वो थक चुके होंगे, और या फिर ये भी हो सकता है कि माइनॉरिटी के एक आदमी है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस टॉलरेट ना कर पा रही हो और उन पे दबाव डाला हो कि इस्तीफा दे दें। चूंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गवर्नर्स के साथ इसी तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, तो मुमकिन है कि ये अपनी मर्जी से ना दिया हो, सरकार के दबाव में ये इस्तीफा हो। बहुत बड़ी बात अलवी साहब आप ये कह रहे हैं। आप तो एक तो पहले ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के आदमी हैं, आप यहाँ पर मुस्लिम कार्ड की बात कर रहे हैं, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के दबाव प्रेशर के तहत आकर उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या कांग्रेस की यही लाइन है? देखिए, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफिशियल बात करेंगे, लेकिन मेरी यही राय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है सरकार में आने के बाद, उन्होंने कितने गवर्नर्स के ऊपर दबाव डाले कि इस्तीफा दीजिए। ठीक है अलवी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की